हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबकी नई अपने मम्मी पापा की तमन्ना। तो कैसे हैं आप सब? आज हम यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आए हुए हैं सुबह सुबह घूमने, है ना। फिर भी बड़ा साफ सुथरा एरिया, चलो आपको भी दिखाते हैं। आपको ये देखो, यहाँ पे मतलब सब कुछ हरा भरा है और साफ सुथरा एरिया है, मन भी लगता है यहाँ पे। ये देखिए, ये हॉस्पिटल है यहाँ पे। मतलब यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा रहता है। तो मतलब अब हम यहाँ घूमने तो आ गए हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, मन भी लगता है घूमने में, मज़ा भी आता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे बहुत सारे मोर भी देखने को मिलते हैं। तो दिखाएंगे आपको भी। मतलब मेरे पीछे देखो आप, कितनी ग्रीनरी है, मतलब मन लगता है इधर। चलो दिखाते हैं आपको, मोर दिखाते हैं, रुको। तो देखिए वो रहा मोर, ओ देखिए ध्यान से। मतलब बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि बारिश में मोर अपना वो खोल लेते हैं ना पंख, इसलिए। तो अब हम चलते हैं इधर के मंदिर में, आपको यहाँ का मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब एक ही हॉस्पिटल है इधर अंदर और एक ही मंदिर है, तो सब यहीं आते हैं। तो देखिए ये रोड देखो कितना क्लीन है, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए बेस्ट जगह है ये इधर। और मैं तो यहाँ हमेशा ही आती रहती, जब भी आती हूँ मामा के घर, तो मेरा तो यही आना जाना लगा रहता है। तो मेरे को लगा चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए, तो चलिए दिखाते हैं आपको इधर का मंदिर। देखो वो रहा सामने मंदिर, बिल्कुल यहाँ अंदर अभी एंट्री बंद है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कोरोना केसेस मिले थे, तो एंट्री बंद की हुई है। तो चलते हैं यहाँ से, एक दो और पक्षी मिल जाए तो देखते हैं। जानवर तो हम घूम ही रहे हैं, पक्षी और दिख जाएंगे आपको। चलो मतलब देखो आप, मस्त एरिया है इधर। यहाँ आप रोड पे बैठ भी जाना फिर भी कपड़े गंदे नहीं होंगे, इतना साफ रोड है। बस ये पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, और पत्ते भी गिरे हुए अच्छे लगते हैं। देखो ये छोटी सी गिलहरी वीडियो में आ रही है। देखो इधर ना, हम यहाँ पे पहले 10-15 साल पहले इधर बहुत सारे जानवर पक्षियाँ, जू था ये मतलब एक तरीके से। अब तो खैर नहीं है, कुछ भी खाली है, अब ये नर्सरी बन चुका है। हाँ बट बहुत सारे यहाँ पे, मम्मी बताती थी, मम्मी यहाँ रहती थी ना, तो बताती थी कि यहाँ बहुत सारे पक्षी जानवर वगैरह रहते थे। ये इधर का मेन गेट है, एंट्री गेट मतलब एनएफएल का, तो यहाँ से आते हैं। अब तो यहाँ पे एंट्री बंद कर दी है कोरोना की वजह से, हमें भी पीछे से आना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पहले रहते थे ना, 7-8 साल पहले रहते थे इधर, मेरे नाना जॉब करते थे। तो अब तो अंदर रहते विकास नगर में, इसलिए हमें भी अब एंट्री नहीं दी जाती कई बार। अभी भी हम आगे घूमने तो दे ही देते हैं, हाँ बट ठीक है। मतलब यहाँ मम्मी बताती रहती थी यहाँ के बारे में, बहुत अच्छी जगह है, मन लगता है। सर भी पड़ोसी एक साथ रहते थे, और पार्क भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो एक पार्क तो ये रहा, खाली पड़ा है वैसे, है नहीं इसमें कुछ। तो चलो अब हम अंदर वाले पार्क में चलते हैं। यहाँ ऐसे मतलब ये मेन रास्ता है इधर से, यहाँ से अंदर जाने देते हैं लोगों को। देखो ये यहाँ का क्लब है एक, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, सब कुछ। हाँ इधर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सब कुछ जो भी होता है ना, मार्शल आर्ट्स, सब कुछ सिखाया जाता है उधर। देखो ये मेन रास्ता है, मतलब ये अंदर आके अंदर है एक मेन गेट, पूरी एक वीआईपी एरिया, मतलब यहाँ बाहर के लोगों को आने नहीं देते। हम आ गए, हम थोड़े ना धो के आए हैं ना, इसलिए हमें आने दिया। और ऊपर से सेफ्टी के साथ आए हैं, मास्क लगा के आए हैं, तो इस वजह से हमें आने दिया इधर। बहुत मुश्किल से पास वास बना के जब आने देते हैं।
वो हम थोड़े अच्छे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा हाँ अच्छे बच्चे हैं जाने दो। तो मुझे मास्क लगाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हम मेन गेट की तरफ पहुँच गए थे और वहाँ अंकल बोले कि बेटा मास्क लगाओ। हाँ वो भी अपनी ड्यूटी का वो कर रहे थे, तो मैं बोल रही हूँ ना इस वजह से सफोकेशन हो रहा था इसलिए हटा दिया था मैंने। तो क्या करें, रिस्क नहीं ले सकती तो मेरे को पहनना पड़ा मास्क। वैसे वो बोल देते हैं कि हाँ 2-3 मिनट के लिए आप निकाल सकते हो सफोकेशन फील हो, क्योंकि एक तो मैं चल रही हूँ ऊपर से बोल रही हूँ, तो आप भी समझदार हैं समझ सकते हैं मेरी क्या हालत हो रही है फ़िलहाल। तो अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हाँ लेकिन आप सब रूल्स को फॉलो कीजिए, मास्क लगा के जाइए जहाँ भी जाएँ। या तो मैं बोल रही हूँ ना इस वजह से सफोकेशन हो रहा था, तो 2-3 मिनट के लिए हटाया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ के शॉपिंग सेंटर में। शॉपिंग सेंटर मतलब यहाँ पे ना सब चीज़ें एक ही है, जैसे अंदर हॉस्पिटल एक है मंदिर एक। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा, फिर भी हम सब बाहर जाने के सपने देखते हैं। हाँ अच्छी बात है, बाहर जाना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया भी हर किसी का ड्रीम होता है कि हम भी बाहर जाकर घूमें, बट हमें पहले इंडिया को देखना चाहिए कि जहाँ हम रहते हैं वो कैसा है, क्या क्या चीज़, मतलब हर चीज़, मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा ही मिलती है हर चीज़ से। जैसे ये मंदिर एक मंदिर हो गया, वो कैसे बना क्यों बना, तो पहले हमें जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की नॉलेज लेनी चाहिए। तो जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि मैं भी, मेरा भी बड़ा सपना रहता था कि बाहर जाऊँ ये करूँ, बट जब मैं खुद गई ना बाहर घूमने हरिद्वार गई, तो वहाँ इतनी नई नई चीज़ें देखने को मिली, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर मेरा लगा कि नहीं यार, पहले जा रहती हूँ इंडिया में, पहले वो सब देखूँगी कि इधर क्या क्या। तो हम आ गए शॉपिंग सेंटर में, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं जगह शॉपिंग सेंटर। देखो ये यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, मतलब सफाई देखो आप। सब कहते हैं ना इंडिया में सफाई नहीं है, यार सफाई है, बस हमें इसे मेंटेन करके रखना होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए देखो सफाई, कितनी सफाई है यार, बस हमारी जिम्मेदारी है इसे मेंटेन करके रखना, गंदगी ना होने देती है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दो मोर कैसे घूम रहे हैं इधर, मैं बता रही ना इधर मोर तो आम बात है, मोर तो आते रहते हैं इधर, दो नहीं है वो शाती, हाँ दो ही है देखो, मतलब बहुत आम है इधर मोर, ऐसे ही चलते फिरते मिल जाते हैं। ये देखो देखो थोड़ा पास में चलते थोड़ी, बस ये उड़ ना जाए हमें देख के। मतलब हाँ कितने सुंदर है देखो, हम ज़्यादा आगे जाते डर जाएंगे हमें देख के। देखो